गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेकेंड हाफ से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्रेडिक्शन। सो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आइए चलते स्क्रीन पे। अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो गाइस। बहुत अच्छा प्रॉफिट्स मिस कर रहे हो, जहाँ पर मैं इंट्राडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। जाकर फटाफट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मेरे कॉल्स की एक्यूरेसी देखो, मार्केट के अपडेट्स देखो और अच्छे प्रॉफिट्स कमाते रहो। सो गाइज, आप लोगों के लिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी प्रेडिक्शन। स्क्रीन पे आप देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके रखा है। सो 7300 का रेजिस्टेंस है और 7100 का सपोर्ट है और इसी बीच में मार्केट प्ले कर रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ओके, सो जो सपोर्ट है अपना वो ब्रेक करने के बाद गाइज एक मिनट से लेके पाँच मिनट के कैंडल तक का वेट करना कि क्या मूवमेंट ले रहा है वो। ओके, अगर ये प्रॉपर 7100 के नीचे सस्टेन करता है सो डेफिनेटली हम इसको सेल कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में पुट्स बाय कर सकते हैं और ये मेरा पहला टारगेट है। 7000 का मेरा फर्स्ट टारगेट है। सेफ ट्रेडर्स अपना अपना प्रॉफिट्स बुक करके फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर लो। ओके, रिस्की प्लेयर्स आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके ही आगे बढ़िए और मेरा सेकेंड टारगेट के लिए आप रन कर सकते हो जो कि है 6900 का। ओके, अब रेजिस्टेंस देखो गाइज, रेजिस्टेंस है जो मेरा 7300 का रेजिस्टेंस है। इसमें भी गाइज आप ब्रेक करने का वेट कीजिए, इसमें 5 से लेकर 10 मिनट के कैंडल तक का मूवमेंट देखिए। अगर ये प्रॉपर 7300 के ऊपर सस्टेन करता है देन आप इसको बाइंग साइड के लिए जा सकते हो, कॉल्स बाय कर सकते हो। जो मेरा फर्स्ट टारगेट है इसमें 7400 का मेरा फर्स्ट टारगेट है। अगेन सेइंग यू गाइस, सेफ ट्रेडर्स बिलीव इन योर प्रॉफिट। एक छोटा सा अमाउंट आप लेके आते हो वो अपने प्रॉफिट्स पे बिलीव करो और एग्जिट कर लो। ओके, और रिस्की प्लेयर्स अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके आगे बढ़ो, जिसका कि मेरा सेकेंड टारगेट है 7500 का। सो ये मेरी क्रूड ऑयल के लिए प्रेडिक्शंस थी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो। ओके, तो अभी चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। तो नेचुरल गैस में भी आप देख सकते हो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। ओके, जो मेरा सपोर्ट है 500 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो बन रहा है मेरा 515 का रेजिस्टेंस है। गाइस इस बीच में मार्केट जो प्ले कर रहा है इसमें ना सपोर्ट है मेन प्ले कर रहा है गाइस, क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है, थोड़ा दूर है। ओके, सो थोड़ा मुश्किल है रेजिस्टेंस पार करना, लेकिन सपोर्ट को हो सकता है ये ब्रेक कर दे। सपोर्ट को लगता है ये ब्रेक कर सकता है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। ओके, लेकिन गाइस 500 ब्रेक करने के बाद 10 मिनट की कैंडल का वेट करना, इसका मूवमेंट देखना, फ्लक्चुएशंस देखना कि ये क्या प्रॉपर सस्टेन हो पा रहा है 500 के नीचे। अगर होता है तो डाउनसाइड हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। जो मेरा फर्स्ट टारगेट है गाइस 488 का फर्स्ट टारगेट है। सेफ ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट्स बुक करके एग्जिट कर लो। अगर आप एक लॉट भी बाय करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका 25 से 30 हज़ार तक का बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। ओके, रिस्की प्लेयर्स आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके चलो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गाइस। सो रेजिस्टेंस देखो 515 का रेजिस्टेंस है। ओके, अच्छे से सस्टेन होने का वेट करना ब्रेकआउट देने के बाद, देन मेरे पहले टारगेट के लिए आप जा सकते हो 530 और मेरा सेकेंड टारगेट है 542 का। ओके, सो गाइस ये था मेरा नेचुरल गैस के लिए प्रेडिक्शन। आई होप गाइज आप लोगों को मेरी प्रेडिक्शन समझ में आ रही है और आप लोग कुछ अच्छा अर्न कर पा रहे हो। मैं चाहता हूँ बहुत से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोग भी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सको। ओके, आप लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट्स हो मार्केट में, आपको भी अच्छी समझ आए, बस मेरा यही एक विज़न है जिसके लिए मैं अपने वीडियो शेयर करते रहता हूँ, अपनी नॉलेज और अपनी प्रेडिक्शन शेयर करते रहता हूँ। सो गाइज ये थी मेरी प्रेडिक्शन आज के लिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, जो सेकेंड हाफ से अभी स्टार्ट होगी। ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच गाइज़।